हारमोनियम गुरु लेसन में आप सबका स्वागत है। आज का वीडियो डिटेल्ड वीडियो रहेगा गाना निकालने के ऊपर। आप एक कॉपी पेन ले लीजिए, जो जो चीज़ मैं बताने वाला हूँ आप सब देख सकते हैं। बहुत ज़रूरी बातें हैं, अगर आप ये बातें समझ गए तो आपके लिए कोई भी गाना निकालना बहुत ईजी हो जाएगा। देखिए, सबसे पहली चीज़ है ना, आपको गाना निकालने से पहले अगर आप चाहते कि खुद से कोई भी गाना निकाले तो आपको पता होना चाहिए कि गाने में क्या स्केल्स यूज़ हो रहे हैं, मतलब ये कौन से गाने में ये स्केल आता है। फिर उसके बॉल भी आप निकाल पाएंगे, फिर उसके कॉर्ड्स भी निकाल पाएंगे, फिर आप उसका म्यूजिक भी निकाल पाएंगे जब ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। देखिए, सबसे पहली चीज़ क्या होती है, गाना कोई भी गाना होता है वो स्केल के अंदर होता है, ठीक है जी। अभी स्केल मेनली क्या है, दो प्रकार के स्केल होते हैं, एक होता है मेजर स्केल और एक होता है माइनर स्केल। स्केल बोले तो जैसे कि आप ले लीजिए सी शार्प स्केल हो गया, डी स्केल हो गया, डी शार्प स्केल हो गया, ठीक है, इसको स्केल बोलते हैं। यानी कि जो भी राग जो सा टू सा जाता है ना, उसको अपन स्केल बोल देते हैं, ठीक है जी। अभी मेजर स्केल में वो स्केल आते हैं जिसमें शुद्ध गा यूज होता है, बेसिकली वो राग जिसमें शुद्ध गा का यूज होता है वो मेजर स्केल के अंदर आते हैं। जैसे कि अपना राग बिलाव ले लीजिए, ये अपना एक मेजर स्केल है। आप कल्याण ले लीजिए, ठीक है, ये सारे मेजर स्केल के अंदर आते हैं। सेम एज इट इज माइनर स्केल में वो स्केल आते हैं जो जिनमें गा कोमल यूज होता है, जैसे कि राग दरबारी हो गया जिसमें गा कोमल होता है, जैसे कि राग भैरवी हो गया, जैसे कि राग काफी हो गया, ठीक है। सिंपल सी एग्जांपल है, मेजर स्केल वो होते हैं जिसमें गा शुद्ध यूज होता है, माइनर स्केल वो होते हैं जिसमें गा कोमल यूज होता है। ये तो हो गई बात स्केल्स की। सबसे पहली चीज आपको पहचानना है कि मेरा गाना कौन से स्केल के अंदर आ रहा है, यानी कि मेजर स्केल के अंदर आ रहा है कि माइनर स्केल के अंदर आ रहा है, ठीक है जी। देन उसके बाद अगली जो मेन चीज आती है आपको जो समझनी है, उसमें ये जो मेन चीज है कि गाने में शुरुआत कहां से होती है, मतलब कि जो अगर मान चलो कोई गाना मेजर स्केल के अंदर, तो उसमें वो गाना कौन से स्वरों से वो गाना उठ सकता है। तो ये जो है, मतलब कि ज्यादातर अगर मैं बात करूं मेजर स्केल के गानों की, ज्यादातर गाने या तो सा से उठेंगे, या तो शुद्ध गा से उठेंगे, या फिर मध्य सप्तक के पास उठेंगे, या फिर मंद्र सप्तक के पास उठेंगे। ये चार स्वर होते हैं जहां से मोस्ट ऑफ गाने, यानी कि 100 में से 99 गाने आपके इसी कैटेगरी के अंदर आएंगे। सेम एज इट इज मैं माइनर स्केल के गानों की बात करूं तो मंद्र सप्तक के पास से गाना उठ सकता है, सा से गाना उठ सकता है, कोमल गा से उठ सकता है और शुद्ध सॉरी पा से भी उठ सकता है। ये चार स्वर आपके माइनर स्केल के लिए रहेंगे। अभी देखिए, गाने में ना दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्थाई पार्ट। स्थाई पार्ट पता है क्या, यानी कि गाने का जो पहला मुखड़ा, जैसे कि एक प्यार का नगमा एक गाना लेते हैं ना, तो ये पहला मुखड़ा होगा, इसको हम स्थाई बोल देते हैं। दूसरा पार्ट होता है अंतरा, यानी कि कुछ पाकर खोना है, कुछ खोकर पाना है, जो अंतरा है ना, उसको हम अंतरा बोल देते हैं। तो सेम इसमें ना, अगर स्थाई की बात करो तो स्थाई पा से भी उठ सकता है, सा से भी उठ सकता है, गा से भी उठ सकता है और पा से भी उठ सकता है, किसी भी एक स्वर से उठ सकता है। यानी कि मध्य सप्तक से, मंद्र सप्तक से गाना उठा तो मंद्र सप्तक के पास उठेगा, अगर मध्य सप्तक से गाना उठता तो इन तीन स्वरों में से किसी भी एक स्वर में से उठेगा। सेम एज इट इज अंतरा भी, सेम एज इट इज यही रूल आपका इसके ऊपर भी अलाउ होता है, लागू होता है कि माइनर स्केल का जो भी गाना, तो उसका भी स्थाई या तो पास उठ सकता है, या फिर सा गा कोमल पा किसी भी स्वर से उठ सकता है। तो अभी आपको मैं बात करता हूँ कि हम कैसे पहचाने कि मेरा गाने का स्केल कौन सा, मेजर स्केल है कि माइनर स्केल है। अगर मेरे को वो गाना निकालना हो तो मैं इस फॉर्मूला को यूज करके मैं कैसे निकाल सकता हूँ, तो उस चीज़ के ऊपर बात करते हैं। देखिए, पूरा वीडियो बड़ा डिटेल्ड वीडियो है, जिसमें यहाँ पे मेरे मन में ख्याल आया कि मेरे को गाना निकालना है तुम दिल की धड़कन में, ठीक है। तो मैं गाना निकालना कहाँ से चाहता हूँ, मैं पहली काली से निकालना चाहता हूँ। तो अभी यहाँ से मैं ये गाना पहली काली से निकालना चाहता हूँ, तो मैंने क्या किया, मैंने स्केल सिलेक्ट कर लिया, मतलब कि मैं गाना निकालना चाहता हूँ तुम दिल की धड़कन में। सबसे पहला रूल है कि मेरे को स्केल सिलेक्ट करना है, यानी कि मेरे को ये गाना कौन से स्केल से निकालना है। तो यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किया सी शार्प स्केल, यानी कि पहली काली, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पहली काली, ठीक है जी। मैंने स्केल डिसाइड कर लिया कि मेरे को गाना तुम दिल की धड़कन में पहली काली से निकालना है। उसके बाद अगली चीज मैं क्या करूंगा, इसमें मैं ना कॉर्ड लगा के देखूंगा, यानी कि कॉर्ड लगा के देखूंगा। कॉर्ड मैं क्यों लगा के देखूंगा, इसमें पता करूंगा कि ये गाना मेजर स्केल का या माइनर स्केल में। तो उसमें क्या करूंगा, मैं कॉर्ड लगा के चेक करूंगा। कॉर्ड में क्या लगा के देखूंगा, मेजर और माइनर कॉर्ड। अगर मेजर कॉर्ड बनाए तो बनता है सागापा,
अगर माइनर कोड बनाए तो साफ कोमल गा पाना बनता है। तो मैं क्या करूंगा, पहले मेजर कोड लगाता हूँ। मैंने क्या किया, मेजर कोड लगाया और इस पे मैं गाना गा दूँ। मैं थोड़ा स्केल ऊंचा करता हूँ, मेरे लिए स्केल नीचा पड़ रहा है। जैसे कि मैंने मेजर कर, तो ये गाना मेजर स्केल में फिट बैठा, तो मेरे को चेक करने की जरूरत नहीं माइनर लगा के। तो मेरे को यहाँ पे पता चल गया कि ये जो तुम दिल की धड़कन में गाना है, तुम दिल की, ये गाना मेजर स्केल में है। ठीक है, अभी मेरे को पहले मैंने स्केल खुद डिसाइड कर लिया, फिर मैंने फाइंड कर लिया कि गाना मेरे मेजर स्केल में आ रहा है कि माइनर स्केल में अंदर आ रहा है, तो मेरे को वो भी पता चल गया। अभी मेरे पास चार स्वर है, तो इन चार स्वरों में से मेरे को फाइंड करना कि गाना मेरा कौन से स्वर से उठ रहा है। जैसे कि मैं अगर मैं बात करूं, मैं पहले सांस दे, तो मैं क्या करूंगा, इस गाने की धुन बनाऊंगा, दारारा तुम दिल की, कैसे दारारा तुम दिल की, दारारा तुम दिल की धड़कन में, दारारा रा 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 रा, दारारा रा 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 रा। तो यहाँ पे मेरे को पता चल गया कि मेरे स्वर कौन से लग रहे हैं। यानी कि मैंने बजा के देखा तो सा लग रहा है, रे लग रहा है, गा लग रहा है, मा तीवर लग रहा है, पा लग रहा है, धा, मेरे को इतना स्वर पता चल गया। तो मेरे को यहाँ पे क्या पता चला कि मेरा जो गाना है वो थाट कल्याण के अंदर आ रहा, तो मेरे को राग भी पता चल गया। तो इस प्रोसेस से आप किसी भी गाने को, किसी भी गाने का थाट, स्केल, राग कुछ भी पता कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको पहले बेसिक सीखना पड़ेगा, आपको थाट भी आने चाहिए, राग भी पता होना चाहिए, कुछ मेन राग पता होना चाहिए, आपको स्केल्स के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, तब जाके आप ये सारी चीजों को एनालाइज कर पाएंगे, तब जाके आप गानों को निकाल पाए। और गाने को निकालने के लिए हमेशा धुन पे चलो, अभी देखिए अंतरा मैंने कहा था कि देखो इसका स्थाई उठा सा से, अभी अंतरा देते दीवानो सा हाल हुआ, तो क्या दीवानो सा, तो ये अंतरा का जुटा पा, पा से उठा सा रे गा मा पा, दीवानो सा पा से उठा। तो लेकिन स्थाई कहां से उठा, स्थाई उठा मेरा सा से और अंतरा उठा मेरा पा से। ठीक है, तो सेम वही चीज हो गई ना। तो ऐसे आपको मैं हजारों एग्जांपल्स बजा के दिखा सकता हूँ, और लगभग 99, ये जो चीज मैंने आपको बताई ना, 99% आपके गानों में लागू होगी। 100 में कोई एक गाना होगा जो इन स्वरों से नहीं उठेगा, बट 99% गाने आपके ऐसे ही चलेंगे। ठीक है जी, अगर आपको समझ में आया तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी समझ में आया तो आप कमेंट करिए, मैं इस वीडियो को और सिंप्लीफाई करूंगा और आप और डिटेल में गानों को निकालना सीख जाएंगे, बजाना सीख जाएंगे। कुछ मुश्किल नहीं, बात पल्ले पड़ने की है। अगर बात पल्ले पड़ गई तो कुछ भी बजाना इजी है, कुछ भी बजाना मुश्किल नहीं है। उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा, अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद, नमस्कार, शुक्रिया, मिलते हैं अगली वीडियो में।